आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है। कुछ को अंधेरा पसंद नहीं है, दूसरे सांप से डरते हैं या फिर मकड़ियों से नफरत करते हैं। मुझे डरावनी फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डर एक भावना है जो हम सभी के पास है। डर एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। डर अच्छी बात है, ये हमारे बचाव के लिए है, ये हमें लड़ने या निकल जाने के लिए तैयार करता है। चाहे हम अपने डर को बहादुर चेहरे से छिपाएं या बचने का रास्ता खोजने की कोशिश करें, ये हमारी सोच, निर्णय और कार्यों पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, ज्यादातर डर हमारे दिमाग में उपजते हैं। एक स्वस्थ भय हमें नुकसान से बचा सकता है, लेकिन अक्सर डर हमें वो करने से रोकता है जो हम चाहते हैं या जिसे हमें करने की जरूरत होती है। कभी कभी ये हमें गलत या खतरनाक तरीके से प्रतिक्रिया देता है। डर हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने या उसकी अवज्ञा करने के लिए मजबूर कर सकता है। सच तो ये है कि हम अपने डर से बच नहीं सकते, लेकिन हम उस पर काबू पाना सीख जरूर सकते हैं और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमस्कार बहनों, आशा भरी नारी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ग्रेस और मेरे साथ मेरी सह मेजबान है वाणी, जिनका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में डर पर काबू पाने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूं कि हम इससे निपटने के लिए कदमों को एक साथ मिलकर देखेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि परमेश्वर का क्या कहना है। जी हाँ दोस्तों, और मुझे याद है कि मेरे माता पिता मुझसे कहते थे कि जब वे छोटे थे तो वे सड़कों पर साइकिल चलाते थे और पड़ोस में नई जगहों की खोज करते थे। लेकिन इन दिनों यह संभव बिल्कुल नहीं है। दुनिया बदल गई है और हमारे समुदाय भी बदल गए हैं। अज्ञात का भय व्याप्त हो गया है और हम अजनबियों और नए लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। हम कुछ लोगों से डरते हैं उन बातों के कारण जो हमने उनके बारे में सुनी या मान ली है। कोरी टेन बूम कहा करती थी, जब ट्रेन एक सुरंग से गुजरती है और अंदर अंधेरा हो जाता है तो क्या बाहर कूदते हैं? बिल्कुल नहीं, आप बैठे रहते हैं और चालक पर भरोसा करते हैं कि वह आपको इसके पार जरूर करा देगा। ये बिल्कुल सही है। हर दिन हम आतंकवाद, गोलीबारी, युद्ध, हिंसक अपराध, बीमारियों, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं, घातक जानवरों के बारे में देखते और सुनते ही रहते हैं। वे समाचारों में और हमारे मनोरंजन चैनल्स पर भी उपलब्ध हैं। अभी हाल ही में हम सभी COVID-19 महामारी की भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। बाइबल में कई चीज़ें शामिल हैं दोस्तों जिनसे हम डरते हैं। वास्तव में हम लोगों को मृत्यु से, भूख से, दासता से, उत्पीड़न से, उपेक्षा से डरते हुए महसूस भी किया है और देखा भी है। अतीत में हमारे व्यक्तित्व और अनुभव उस तरह के अनूठे डर और भयावह भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं जो हमारे खुद के पास है। जब हम छोटे थे तब दर्दनाक, आहत करने वाली, चौंका देने वाली घटनाएं हमारे दिमाग में एक भय को पैदा कर देती थी। हम में से कई लोग लगातार चिंता की स्थिति में रहते हैं और विशिष्ट भय और चिंताओं से निपटने या उनका मुकाबला करने के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई। लेकिन डरे नहीं शब्दों को कई बार दोहराया गया है और परमेश्वर का वचन, जी हाँ परमेश्वर का वचन, हमारे अच्छे और बुरे दोनों डर से निपटने का एक तरीका प्रदान करता है। दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम डर में फंस जाएं। लेकिन परमेश्वर कुछ अद्भुत वायदा करते हैं, जैसे यशाया 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हे झुंड, मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। लूका 12:32 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 14:27 में इस प्रकार लिखा है,
जैसे जैसे हम इन वायदों पर विश्वास करने लगते हैं दोस्तों, हम विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सच में दोस्तों, लेकिन पूछने का सवाल यह है कि हम इतने भयभीत है क्यों? मैं आपको यीशु की कहानी और तूफान की याद दिलाना चाहती हूँ। फिर यीशु एक नाव पर चढ़ गया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और अचानक एक बड़ा तूफान शुरू होता है, नाव को हिलाकर लहरों में ढक देता है। इन सब के बीच यीशु सो रहा है। उसके चेले उसके पास दौड़े चले आते हैं और उसे ये कहते हुए जगाते हैं, हे प्रभु, हमें बचा ले, हम मरने वाले हैं। लेकिन यीशु उनसे कुछ ऐसा कहते हैं कि जिससे वे काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं। वह कहते हैं, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तुम्हारा विश्वास इतना कम क्यों है? फिर यीशु हवाओं और समुद्र को शांत करने की आज्ञा देते हैं और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। दोस्तों, भयानक तूफान को अपनी आंखों से देखकर शिष्यों के पास डरने का अच्छा कारण था। मैं भी डर गई होती अगर मैं उस स्थिति में होती, लेकिन यीशु चाहते थे कि वे याद रखें कि परमेश्वर ने हवा और लहरों को बनाया है और उन पर यीशु का पूरा अधिकार था। उन्हें बस अपने डर को शांत करने के लिए थोड़े से विश्वास की जरूरत थी। परमेश्वर में विश्वास वास्तव में विश्वास को मजबूत बना देता है। आशा भरी नारी के रूप में हम भी उबड़ खाबड़ समुद्र और तेज हवाओं की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, हम मलेरिया या कैंसर से रोगित हो सकते हैं, अपने प्रियजनों और बच्चों को खो सकते हैं, व्यसनों से लड़ सकते हैं। यह तूफानों की अनुपस्थिति नहीं है जो हमें अलग करती है। मायने यह रखता है कि हम तूफान में किसे खोजते हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा और हमारा शरण स्थान है। हर नया दिन हमारे लिए डर के नए कारण लेकर आता है। नौकरी खोना, अर्थव्यवस्था में मंदी, यूक्रेन में चलता हुआ युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग, बीमारी और आतंकवाद, ये सभी भय की निरंतर स्थिति में रहने के वैध कारण हैं। लेकिन यीशु नहीं चाहते हैं दोस्तों कि कोई भी डर की स्थिति में रहे, और ना ही आप। डर विश्वास का हत्यारा हो सकता है दोस्तों। जिन लोगों को किसी भी चीज के बारे में अत्यधिक भय होता है, वे केवल स्वयं पर और उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनका वे सामना कर रहे हैं, ना कि ईश्वर और अपनी जरूरत के समय में उनकी मदद करने की क्षमता पर। यह घने कोहरे के माध्यम से देखने की कोशिश करने के जैसा है। कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, सब कुछ भ्रमित करने वाला होता है। क्या इस जीवन में ऐसी चीजें हैं जो डर पैदा कर सकती हैं? निश्चित रूप से हैं। दैनिक जीवन में दुर्घटनाओं का होना, अपराध, आपदाओं से होने वाले खतरों का एक अलग हिस्सा है। महामंदी के काले दिनों के दौरान US राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक प्रसिद्ध बयान दिया, जिसे अक्सर इस रूप में याद दिलाया जाता है या याद किया जाता है, हमें किसी चीज से डर नहीं सिवाय डर के। यह आकर्षक है ना? लेकिन क्या ये वास्तव में हमारी खतरनाक दुनिया का सच है? लेकिन क्या हम वास्तव में परमेश्वर की सहायता के बिना भय से निपट सकते हैं? इब्रानियों 13:6 एक अधिक ठोस और आश्वस्त करने वाला समाधान देता है दोस्तों। यहोवा मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जाहिर है, जब तक हमारे जीवन में ईश्वर है तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, और जब तक हम जिंदा हैं, डर हमारे जीवन का हिस्सा बना ही रहेगा। आशा भरी नारी के रूप में हमें अपने डर के साथ परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है दोस्तों। हम परमेश्वर से उसकी शक्ति और शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दाऊद, जो परमेश्वर के अपने हृदय के अनुसार था, कई भयावह परिस्थितियों का सामना उसने भी किया। एक भयानक घटना से बचने के बाद पलिश्ती क्षेत्र के बीच में फंस गया। उसने लिखा, मैंने यहोवा की खोज की और उसने मेरी सुनी और मुझे मेरे सभी भय से बचाया। पौलुस डर की भावना के लिए कोई अजनबी नहीं था, और उसने ये सलाह और आश्वासन दिया, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन।
हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है दोस्तों। उसकी आत्मा हमें अपनी सोच को नियंत्रित करने और सही कारण के लिए सही काम करने की शक्ति देती है। परमेश्वर पर हमारा भरोसा उसकी प्रतिज्ञाओं और उसकी विश्वास योग्यता पर आधारित है। इब्रानियों 11 उन पुरुषों और महिलाओं की कहानियों से भरा हुआ है जो यह विश्वास करते थे कि परमेश्वर वही करेगा जो उसने वायदा किया है। विश्वास योग्य परमेश्वर में उनके भरोसे ने उन्हें अपने डर का सामना करने और विश्वास में कार्य करने की एक अलग ही शक्ति दी और उसमें मदद की। इसने उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और भयानक कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करने में सहायता की। हमें इस भयानक दुनिया से परे उस सकारात्मक भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम उस आराम और शांति की भी सराहना कर सकते हैं जो परमेश्वर अब हमें देता है। हम परमेश्वर से अधिक विश्वास मांग सकते हैं और अस्थाई भौतिक परिस्थितियों की तुलना में परमेश्वर के वचन और उसकी अनंत प्रतिज्ञाओं पर अपना भरोसा रख सकते हैं। इससे हमारा डर कम होगा और चीजें देखने का हमारा नजरिया भी बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। महिलाओं, पत्नियों और माताओं के रूप में हमें सकारात्मक चीजों के बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। ऐसी चीजें जो सच हैं, महान हैं, जो शुद्ध हैं और जो चीजें प्यारी हैं। डर अक्सर इस मान्यता पर आधारित होता है कि चीजें ठीक नहीं होंगी। अधिकांश समय भय दो रूपों से एक रूप में प्रकट होता है। जो कुछ आपके पास पहले से है उसे खोने से डरना, या जो आप चाहते हैं उसे ना पाने का डर होना। इसका मुकाबला करने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। आपके पास जो पहले से है उसके लिए परमेश्वर का शुक्र करें। दोस्तों, सराहना करने के लिए हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी कुछ ना कुछ होता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, लेकिन आपकी वर्तमान परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप अभी भी कई तरीकों से गवाही दे सकती हैं कि परमेश्वर ने आपके लोगों के जीवन को आशीषित किया है। अपने स्वयं के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हुए भी आप अभी भी उसकी भलाई, विश्वास योग्यता और अपने जीवन में उपस्थिति के लिए उसकी स्तुति कर सकती हैं। कृतज्ञता की मनोवृत्ति विकसित करने के लिए हम अपने विचारों को भय से दूर और एक अलग रास्ते पर प्रभावी ढंग से मोड़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है दोस्तों कि हम ईश्वर की शांति का अनुभव कर सकते हैं यदि हम अपने विचारों को अपनी चिंताओं से दूर करने और इस दुनिया में अच्छी चीजों की ओर ध्यान देने का अभ्यास करें। तो अपनी खुद की ताकत में मैं विश्वास से डर को दूर नहीं कर सकती दोस्तों। मेरे जीवन में डर हमेशा जीतता हुआ प्रतीत होता था। मुझे यह महसूस करने में काफ़ी समय लगा कि जब हम यीशु के करीब होते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है और हम विश्वास करने लगते हैं कि हम विश्वास के साथ भय को दूर भगा सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। मसीह में हमारी पहचान को जानना एक प्रारंभिक बिंदु है। कभी कभी हम संघर्ष करते हैं और संदेह भी करते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। हम उनके वादों पर भी सवाल उठा देते हैं। आप जो सामना कर रहे हैं या कर रहे हैं, यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आपने विश्वास के साथ भय की भावना पर काबू पाने के लिए पहला कदम उठा लिया है। यह भय को दूर करता है। हम अपने डर के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं दोस्तों। हम उसकी प्रेमपूर्ण देखभाल में आराम और सुरक्षा पा सकते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे और जब वे एक कोई बुरा सपना देखते थे तो वे हमेशा जानते थे कि वे मुझे फ़ोन करके अपने डर से सुरक्षा पा सकते हैं। कभी कभी मैं उनके कमरे में चली जाती थी और उनके साथ बैठ जाती थी, लेकिन कई बार वे मेरे बिस्तर के ठीक बगल में सोना चाहते थे। माँ और पिताजी के निकट होने का एहसास उनके डर को दूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वायदे हमारी चिंतित विचारों को भी दूर कर सकते हैं। अगली बार जब आप अपने आप को या अपने बच्चे को डर में चिंतित देखें तो इन तीनों चरणों का प्रयास करें। पहला, ईमानदारी से प्रार्थना करें।
अपने बच्चे को परमेश्वर को ईमानदारी से बताने के लिए प्रोत्साहित करें कि वे किससे डरते हैं और परमेश्वर से उस डर में न जीने में उनकी मदद करने के लिए कहें। उनकी सुरक्षा और आश्वासन के लिए प्रार्थना करें। जब हम डर महसूस करते हैं ना दोस्तों, या डरावने विचार आने लगते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मैं अक्सर कहती हूँ, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करो और किसी चीज़ से मत डरो। हमें तब तक ईश्वर की तलाश करने के लिए खुद को स्थापित करना चाहिए दोस्तों, जब तक हम ये नहीं जान लेते कि हमने मानसिक और भावात्मक रूप से अपने डर पर काबू पा लिया है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं ना, तो हम अपने डर के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। हम उसकी आराधना करते हैं कि वो कौन है और जो अच्छा उसने किया है या वो कर रहा है और करना जारी रखेगा, उसके लिए हम अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने मन और हृदय में परमेश्वर के सत्य को उससे भर देने की आवश्यकता है। हमें डर पर काबू पाने के लिए और इस बारे में पवित्र शास्त्र को दिखाकर अपने बच्चों को साहस खोजने में मदद करने की आवश्यकता है। डर से निपटने के लिए अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों को बोलने में मदद करें जिन्हें उन्होंने याद किया है। उन्हें धीरे धीरे वचनों को सच्चाई पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करें। जी हाँ, मैं आश्वस्त हूँ कि जितना अधिक हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन से भरेंगे, उतना ही कम स्थान हमारे भय को बढ़ने के लिए हमारे जीवन में होगा। हम सभी को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। समस्याओं और चुनौतियों से कोई नहीं बचता, जिसे हमें अक्सर जीवन का तूफान कहना पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि जब हम कठिनाइयों का सामना करेंगे तो वह क्या करेंगे। उसके पास हमें जीत दिलाने की एक खास योजना है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारी लड़ाई यहोवा की है, हमारी नहीं। दोस्तों, हमें बस इतना करना है कि समय निकालकर उन आशंकाओं के बारे में सोचें जो हमें परेशान करती हैं और जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बार जब आप एक सूची बना लेते हैं, तो योजना तैयार करें कि आप इससे कैसे निपटना चाहती हैं। हम में से कुछ लोगों को नए लोगों से मिलने का डर हो सकता है। इस डर का सामना करने के लिए आप हर हफ्ते 5 नए लोगों से मिलने का लक्ष्य निर्धारित कर सकती हैं। कठिन है? हाँ, हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के पास हमारे लिए नए अवसर और महान चीजें हैं, इस पर हमें विश्वास करना है। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास के अतिरिक्त कदम उठाना जरूरी है। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि ऐसे काम करना जिन्हें करने में हमारा मन नहीं लगता, या शायद हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम ये कर पाएंगे या ये हमसे हो जाएगा। हम जो सोचते हैं, चाहते हैं या महसूस करते हैं, उससे कहीं अधिक ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा विरोधी हमारे जीवन में हर तरह के तूफान लेकर आता है। परमेश्वर के पास जो वस्तुएं जो हमारे लिए हैं, वो हमें हर उस चीज का अनुभव करने से रोकने के लिए कई अलग अलग रूपों में भय का उपयोग करने की कोशिश करती हैं। भले ही हमें डर महसूस हो, लेकिन हमें अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। उसके पास हमारे लिए एक युद्ध योजना है और वो हमें शांति, विजय और आशीष प्राप्त करने के लिए साहस और विश्वास देगा जो उसने हमारे लिए दिया है। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का हृदय ये है दोस्तों, कि हम ये जानते हुए स्वतंत्रता में रहें कि हमें प्रेम किया गया है, बचाया गया है और क्षमा किया गया है। लेकिन कभी कभी एक मसीह के रूप में हम इन सच्चाइयों को भूल जाते हैं और सभी प्रकार के भय को अपने जीवन के अंदर आने देते हैं और अपने जीवन को नियंत्रित भी करने देते हैं। तो आप क्या करती हैं जब आप जानती हैं कि आपके जीवन में अस्वस्थ भय है? अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने हमें डर पर सामर्थ्य दी। जी हाँ, डर पर सामर्थ्य दी है और वह इस यात्रा के माध्यम से आपके हाथ में हाथ डालकर ठीक साथ में चलना चाहते हैं। जैसे ही आप स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करती हैं या करते हैं, डर पर काबू पाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ व्यवहारिक कदम दिए गए हैं।
पहला, अपने डर की पहचान करते हुए परमेश्वर के साथ समय बिताएं। कभी कभी आप यह भी नहीं जानती होंगी कि आप भयभीत है क्यों, या ये नहीं जानती कि डर से लड़ने की शुरुआत कहाँ से करें। परमेश्वर को अपने भय में बोलने देना और उन्हें स्वयं को प्रकट करने के लिए स्थान देना इस प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक कदम है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह भय की जड़ को प्रकट करें और उसे आपके भय पर सच बोलने की अनुमति दें। दोस्तों, आपके विचार और शब्द बहुत ही शक्तिशाली हैं। डर की आवाज़ को अपने सिर में बजने देने के बजाय अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। अपने डर के खिलाफ मौखिक रूप से बोलें और जिस तरह से आप डर का जवाब देते हैं उसे बदलें। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि वो हमेशा फेरिस व्हील यानी कि बड़ा चक्री वाला जो झूला होता है उस पर चलने से बहुत डरती थी। एक दिन उसने सवारी से बहुत पहले खुद को तैयार करने का फैसला किया। हफ्तों तक वो अपने सभी दोस्तों से कहती रही कि वो अपनी सवारी का आनंद लेने जा रही है और उसने ये किया। ये पहली बार में तो थोड़ा सा डरावना था, लेकिन उसने सकारात्मक रहना चुना और आखिरकार उसने सवारी का बहुत आनंद लिया। डर के विचारों को अपने दिमाग में जगह बनने से रोकने के लिए आपको झूठ को सच से बदलने की जरूरत है। हम महिलाएं अक्सर झूठ पर विश्वास कर लेती हैं और जो हमें बताया जाता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती, पैसा मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, मुझे माफ नहीं किया जा सकता, ये ऐसे वक्तव्य होते हैं दोस्तों जिनका उपयोग आप उन झूठों को बदलने के लिए कर सकते हैं जिन पर आप विश्वास कर रही हैं। इस बात को घर पर या काम की जगह पर भी लगाया जा सकता है। इसे अपने फोन या कंप्यूटर की पृष्ठभूमि के रूप में आप सेट कर सकते हैं ताकि ये आपको लगातार सच्चाई की याद दिलाता रहे। दोस्तों, महिलाओं के रूप में हम कभी भी अकेले डर से लड़ने के लिए नहीं बनी थी। उन लोगों को खोजें जिन पर आप भरोसा करते हैं और उन्हें अपने साथ प्रार्थना में भागीदार बनने के लिए कहें। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको प्रोत्साहित और जवाबदेह बनाए रखने के लिए अपने भागीदारों से जुड़ने के लिए सप्ताह में एक एक बार एक समूह पाठ बनाएं और समय निकालें। अंत में धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। डर पर काबू पाने के बारे में अपने दिमाग को अलग तरह से सोचने या सिखाने में आपको समय लगेगा, लेकिन यह जान लें कि परमेश्वर को आपके हृदय में कार्य करने देने और भय के झूठ पर सच बोलने की प्रक्रिया में आप पहले से ही मसीह में विजय के स्थान में हैं। इस सप्ताह आपके लिए हमारी प्रार्थना यही है कि ये सारे सरल कदम आपकी स्वतंत्रता की यात्रा में आपकी मदद करेंगे। एक बार जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना सीख जाते हैं दोस्तों, तो वो आपको वह साहस देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। आप हर दिन साहसपूर्वक जी सकती हैं, चाहे आप अज्ञात से डरती हो, उम्र बढ़ने से डरती हो, अस्वीकृति से डरती हो, किसी प्रियजन को खोने, अकेले रहने, या फिर कारण कुछ और भी हो सकता है। यदि हमारा जीवन परमेश्वर के पराक्रमी कार्यों के लिए बहुत सारी प्रशंसा से भरा है और परमेश्वर जो है उसकी आराधना करते हैं, तो हम देखेंगे कि वो हमारे लिए हमारी लड़ाइयाँ लड़ता है और हम आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस प्रार्थना को हम एक साथ करें और परमेश्वर से इस बात का अंगीकार करें। धन्यवाद प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन के संघर्षों में परमेश्वर आप हमें ये उम्मीद देते हैं कि हम अपनी सारी बातों को आपके ऊपर डाल सकते हैं, अपनी सारी चिंताओं को आपके ऊपर छोड़ सकते हैं और अपने संघर्षों से हमें अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ में वहाँ पर मौजूद हैं। प्रभु हमें इस काबिल बनाइए, इस तरीके का बनाइए कि जब आज हमने आपके वचन के द्वारा इतनी चीज़ों को समझा है तो ये सब कुछ हम अपने जीवन में अमल भी करने वाले बन सकें और अपने जीवन में इन चीज़ों को पूर्ण रूप से अमल करके आपके नाम को महिमा देने वाले बन सकें।
परमेश्वर, हमारा दृढ़ विश्वास आपके ऊपर है और हम जानते हैं कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि आप हमारे समक्ष हैं, आप हमारे साथ हैं और आपने हमारे हाथों को थामा हुआ है। हम अपने आप को, अपनी सारी परिस्थितियों को, अपने जीवन के हर एक हिस्से को आपके समक्ष रखते हैं और परमेश्वर, सुनने वालों को और इस वचन के द्वारा, जहाँ जहाँ ये वचन, जहाँ जहाँ ये प्रार्थना के द्वारा हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब अपने जीवनों को आपके समक्ष रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो हमेशा हमारे जीवन के हर एक हिस्से के ऊपर बना रहे और कभी भी कोई समस्या हमारे जीवन में या कोई डर हमारे जीवन में प्रबल ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप विजयी रहेंगे और इस सप्ताह अपने डर को जीतने नहीं देंगे। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मिस्ड कॉल जरूर दे दीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।